तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है बताने का कि गुड न्यूज क्या है। तो गाइस गुड न्यूज है, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्माज व्लॉग, माय नेम इज अंकिता। तो गाइस अभी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मम्मी के घर से। एक्चुअली मैं आई थी अबे पास में एक शॉप पे, गिफ्ट शॉप में, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का की बेटी का आज बर्थडे, तो वहाँ का इनविटेशन हमको आया है, तो उसी के लिए मैं गिफ्ट लेने आई थी, तो इसलिए मैं मम्मी के घर भी आ गई। तो बगल में वो गिफ्ट शॉप था तो मैं मम्मी के घर भी आ गई। तो फिलहाल के लिए अब मैं जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए, और फिर शाम को जाना है मुझे पार्टी में, और उससे पहले यस मुझे जाना है एक न्यूली बॉर्न बेबी को देखने के लिए, क्योंकि हमारे नेबर में है थी एक, और मतलब एक है फ्रेंड, तो उसका उनका हुआ है आज बेबी बॉय, मतलब रात को हुआ था, तो उसको देखने के लिए हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ अभी गिफ्ट लेने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के। तो गाइस यहाँ पे आए थे हम छोटे से बेबी को देखने के लिए, तो ये उनका हुआ था बेबी बॉय, और ये है बेबी बॉय की मदर जो बहुत हैप्पी थी, और हम भी बहुत हैप्पी थे उसको देखकर। बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट बेबी है। गॉड ब्लेस यू बेबी। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, आपने देखा होगा वीडियो में मैंने दिखाया था छोटा सा बेबी जो हमारे नेबर में हुआ है बेबी बॉय, तो उसको देखकर हम लोग आ गए हैं, और अभी जस्ट घर पहुंची हूँ, बच्चे सो रहे हैं। और अभी का सीन ये है कि मैं बनाती हूँ फटाफट खाना, क्योंकि हमें जाना है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी में, तो तब तक मैं पापा वगैरह के लिए खाना बना लेती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मैंने गिफ्ट वगैरह ले लिया था, ये मैंने ये दो गिफ्ट ले लिए थे उसके लिए। तो ये सभी बनाते हैं फटाफट खाना, और उसके बाद फिर रेडी होते हैं पार्टी में जाने के लिए। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं पार्टी के लिए, और बस अभी रास्ते से हमने आदि को भी पिक करना है। आशी तो पैर नीचे करो बेटा। तो गाइस अभी लेना है रास्ते में हमें आदि को भी लेना है, और फटाफट अभी थोड़ा सा लेट हो ही गए हम, सब 8 हो गए जबकि 8 बजे का टाइम था, तो यस फटाफट चलते हैं ना। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, और जो लोकेशन है वहां पर पहुंच गए हम लोग, तो ये है लोकेशन। हाय शान, हाय हाय गौरव भैया, गुड न्यूज जो हमारी गुड न्यूज है, तो वो उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। बट यस आज हम रिवील करेंगे कि वो गुड न्यूज क्या है। तो अभी मतलब मेरे हस्बैंड अभी जा रखे हैं ऑफिस, और वो 8:30 पहुंचेंगे घर, तो जैसे ही वो पहुंचते हैं तो हम बताएंगे आपको सब मिलकर, है ना आशिता? यस सर। तो हम लोग सब मिलकर बताएंगे कि क्या गुड न्यूज है, फाइनली वो हम बता देंगे आपको। तो यस इसके लिए बने रहिए वीडियो में, और तब तक मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता, तो यहाँ पर मैंने प्याज सौटे होने के लिए रखा हुआ है, तो फटाफट बनाती हूँ खाना, और जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, है ना आशिता? एक वीडियो बनाएंगे जिसमें रिवील करेंगे हम लोग कि क्या है वो गुड न्यूज।
तो यस बहुत मैं हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस चीज के लिए। नाश्ता आप कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। तो यस गाइस मिलते हैं आपको अब रिवील वाली वीडियो। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है बताने का कि गुड न्यूज क्या है। तो गाइस गुड न्यूज है कि हम जा रहे हैं वेकेशन में। यस गाइस तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं वेकेशन में क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं 28 से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो हम लोगों ने प्लान किया है वेकेशन। कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, मतलब बाद में क्या, कल हम लोग निकल रहे हैं। तो कल हम लोग का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं फरीदाबाद आशिता की बुआ के यहाँ। तो रात को हम लोग वहीं स्टे करेंगे और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपने ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। और ट्रिप कहाँ जा रही है तो हम लोग को परसों ही बताएंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए फटाफट कर लेते हैं पैकिंग क्योंकि कल हम लोग ने निकलना है। कल आशिता को पहले स्कूल भेजेंगे, उसके बाद ये 2 बजे तक घर आ जाएगी, 2:30 बजे तक, और उसके बाद हम लोग 3 बजे फरीदाबाद के लिए निकल जाएंगे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे 9:30 बजे तक पहुंचेंगे फरीदाबाद। और अगले दिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग फाइनली हम लोग निकलेंगे अपने ट्रिप के लिए। तो गाइस ये बहुत मोस्ट अवेटेड ट्रिप था, कम से कम हमने 1-1.5 महीने से प्लानिंग कर रखी थी इस ट्रिप की। तो फाइनली वो सक्सेसफुल हो रही है, है ना। तो यस गाइस हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो आशिता जा रहे थे मम्मा दुगू पापा और आप कितने एक्साइटेड है? बहुत, क्योंकि वहाँ पे हमने आशिता के लिए काफी सारी चीजें प्लान करी है, है ना आशिता। और आपको भी दिखाएंगे। हाँ तो बाकी क्या बोलते हैं गाइस, बने रहिए वीडियो में। तू एक्साइटेड जगह है, तू एक्साइटेड जगह, टू एक्साइटेड जगह। तो फाइनली हम लोग का ये ट्रिप सक्सेसफुल हो रहा है। तो कल निकल जाएंगे हम लोग फरीदाबाद के लिए, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या करेंगे। फिलहाल के लिए मैं भी स्टार्ट करती हूँ पैकिंग क्योंकि मैंने पैकिंग बिल्कुल भी नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं, एक चम्मच तक नहीं डाला है मैंने। तो फटाफट करती हूँ पैकिंग और उसके बाद फिर मिलती हूँ, ठीक है ना। तो तुम भी हो एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। डुगू आप एक्साइटेड हो? डुगू कहाँ जा रहा है? मसूरी। नहीं हम इस बार मसूरी नहीं जा रहे हैं, इस बार हम और कहीं जा रहे हैं। तो यस गाइस बने रहिए वीडियो में। और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है और बहुत ही एक्साइटेड वीडियोज आ रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी बजे हैं रात के 10 और ये देखो यहाँ पे डुगू, ये डुगू कैसे पैक करके ले जाना है, हैं? डुगू कैसे पैक करके ले जाना है, हट यहाँ से। तो गाइस रख लेते हैं सामान। तो मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये मैंने मंगाया है मिंत्रा से, तो ये है वन पीस है, एक ये मंगाया मैंने, और ट्राई करके देखा बड़ा आ जाएगा ना, एम साइज लग रहा ना आ जाएगा। मैंने ट्राई बनाया तो नहीं किया, आ ही जाएगा। तो एक तो ये है, इसको रख लेते हैं, ये देखो इसको देखो, इसको देखो भाई साहब को, हटो मेरे को शॉप वो करने दो, पैक करने दो। तो इसको रख लेते हैं एक तो, और दूसरा मैंने मंगाया था यस ये टॉप, ये भी मैंने मंगाया था मिंत्रा से, ये टॉप मैंने मिंत्रा से मंगाया था। इसको भी ये ब्लैक कलर में, ब्लू कलर है, ब्लैक है ना ये, इसके साथ उसकी स्कर्ट रखेंगे, क्योंकि नहीं कर होना यार ये कपड़े नहीं ले जाने। तो ये भी रख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं पैक। वैसे मैंने ये मिंत्रा से एक्चुअली मैंने मंगाया नहीं था, ये मुझे गिफ्ट मिला था, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था गिफ्ट बर्थडे में, तो मैंने अभी तक पहना नहीं है, तो मैं ये भी लेकर जाऊंगी, एक बार ट्राई किया था मैंने, तो मैं ये भी लेकर जा रही हूँ। ये भी उसको मिंत्रा से ही मंगाया था, किस तरह से है ये मैंने मंगाया था मीशो से, ये टॉप वाइट कलर का, मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है, गंदा हो जाता था ना इसलिए मैंने उल्टा करके रखा हुआ। मैंने मंगाया ये वाला टॉप, ये मैंने मंगाया था मीशो से, और एक और मैंने मंगाया था, ये भी मैंने मंगाया था मिंत्रा से। तो ये ड्रेस है, ये वाली ड्रेस, ये भी मैंने मंगाया था मिंत्रा से। तो कर लेते हैं फटाफट पैकिंग और उसके बाद मैं दिखाती हूँ बच्चों के लिए, मैंने कुछ मंगाया था तो वो भी दिखाती हूँ। गाइस ये मंगाया था मैंने डुगू के लिए, आश्रित के लिए, ये है टी शर्ट और इसकी ये साथ में है व्हाइट कलर की निकर। तो गाइस एक और मंगाया था मैंने डुगू के लिए ग्रे कलर का, वो भी इस टाइप का था हाफ में, और उसकी निकर भी ग्रे कलर की थी, बट वो अभी तक तो रिसीव नहीं हुआ, कल तक मे भी अगर रिसीव हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे 2:30 बजे,
तो देखते हैं अगर रिसीव होके तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसके पास है काफी सारे कपड़े क्योंकि इसके बर्थडे पे भी हम इसको मिले थे तो वो अभी तक यूज नहीं हुआ है तो वो भी है मतलब, और जरूरी नहीं है कि नए ही पहनाना है क्यों। और ये मंगाया था मैंने आशिता का, ये ऊपर का टॉप और ये नीचे का इसके शॉर्ट्स, ये मैंने मंगाया था इसका हुप स्कॉर्ट से एक सेट ये है इसका, और एक सेट मंगाया था मैंने ये वाला, और इसका एक और सेट मंगाया था वो भी अभी तक आया नहीं है क्योंकि शायद लेट पहन थोड़ा लेट मंगा दिया करने कर दिया था मंगाने में। तो ये सेम ये है मेरी शॉपिंग, इसके अलावा एक दो कपड़े मैं और एक्स्ट्रा रख लूँगी, और शूज रखने हैं, स्ट्रेटनर रखना है, ब्रश रखना है, और क्या रखना है, कोलगेट तो मिल जाता है होटल में, और हाँ अपना मेकअप का सामान मुझे रखना है ठीक है, उसके अलावा क्या रखना है, कपड़े कपड़े तो रख दिए, और क्या रखना है, बस स्ट्रेटनर हो गया, और आशिता की हेयर एक्सेसरीज रखनी है, बस इसके अलावा तो और तो कोई ऐसा है नहीं है। तो यस गाइस फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आशीष की पैकिंग अभी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि आशीष ने करनी थी शॉपिंग, थोड़ी बहुत शॉपिंग उसने आशीष ने कर ली थी पैसिफिक से, बट अभी थोड़े बहुत इसकी रह गई आशीष की, तो वो बोल रहे कि मैं कल सुबह सुबह जाके फटाफट करके आ जाऊंगा, बॉयज को ऐसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम गर्ल्स को थोड़ा टाइम लगता है। तो यस गाइस अभी करते हैं फटाफट पैकिंग क्योंकि मैं चीजें भूल ना जाऊं, और क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि सुबह सब तैयारी में लगे रहेंगे, आशीष को स्कूल जाना है और उसके बाद 2:30 बजेंगे पता ही नहीं चलेगा, तो सारी पैकिंग मैं अभी करके रखूँ। हाँ यस चावल भी तो रखना है, नहीं चावल रखना है और बच्चों की दवाइयाँ भी रखनी है, बच्चों की दवाइयाँ रख लेंगे और बस, और तो कुछ नहीं यार, हाँ दवाइयाँ वॉमिटिंग का रख लेंगे और उसका बुखार का रख लेंगे और थर्मामीटर भी रख लेंगे और गुड नाइट याद रखना, गुड नाइट रखना है। वैसे तो होटल काफ़ी अच्छा है पर फिर भी यार आजकल डेंगू वगैरह का डर रहता है तो अपना सेफ साइड लेकर चलेंगे हम लोग, और तो कुछ नहीं है। हाँ नाइट सूट हाँ मतलब कपड़े तो ऑब्वियसली है ही ठीक है। तो यस गाइस करते हैं हम लोग पैकिंग और मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। गाइस वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग आने वाली है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलती हूँ आपसे आप कल जाएंगे हम लोग फरीदाबाद में स्टे करेंगे आशिता की बुआ के यहाँ, और अगले दिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे अपने ट्रिप के लिए, और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको तभी बताऊँगी। तो बने रहिए वीडियो में और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।